हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये देखो दोस्तों, अपनी आलू की चिप्स कितनी ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है। इतनी मज़ेदार बनेगी कि कोई ना बिल्कुल भी पकड़ ही नहीं पाएगा कि आपने इसको घर में बनाई है। और एक स्पेशल मसाला भी बनाना बताऊंगी, जिससे ये जो चिप्स है ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए आलू। कच्चे आलू लेना है और छिलका निकाल लेना है और इसको अच्छे से धो लेना है। मैंने इसको पानी में भिगा के ही रखी है ताकि इसके ऊपर वो दाग पड़ती है ना, वो दाग ना पड़े। अभी आपको लेना है एक ग्रेटर, और आप ना दो तरीके से चिप्स को बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो। मैं आज इससे बनाऊंगी। तो पतले पतले स्लाइसेस करनी है दोस्तों, तो दो तरीका बताऊंगी मैं आज आपको कि आप दो तरीकों से ही चिप्स बना सकते हो। सबसे पहले कि आप तो सीधा इस तरह से पानी के ऊपर डालो, हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम इसको इस तरीके से स्लाइस कर लेंगे। ये देखो, बिल्कुल पतले पतले स्लाइस होनी चाहिए और ये पानी के अंदर डिप होनी रहनी चाहिए, नहीं तो ना चिप्स के ऊपर काले धब्बे पड़ जाएंगे, जिससे टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं आएगी लेकिन दिखने में थोड़ा सा बुरा लगेगा। तो बस इस तरीके से मैंने बहुत सारे आलू को, मतलब कि सारे आलू को स्लाइसेस कर ली है, लेकिन कुछ मैंने बचा के रखी है। मैंने बताया ना आपको कि मैं दूसरा वाला तरीका भी आपको दिखाने वाली हूँ। आलू को स्लाइस कर लेने के बाद आपको लेना है एक सूती का कपड़ा, और उसके ऊपर से ये सारे के सारे जो स्लाइसेस है इसको हम इस तरीके से बिछाते जाएंगे। फैन को आप ऑन कर देना, अगर फैन नहीं भी होगा तो भी चलेगी, बस धूप में आप मत सुखाना, नहीं तो फिर से वही काले धब्बे पड़ जाएंगे। और ये जो सूती का कपड़ा है ना दोस्तों, ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए। आप चाहो तो एक अच्छा सा टॉवल भी ले सकते हो, और इस तरीके से हम इसको ऊपर से रख देंगे और इसको हम सुखा लेंगे। मतलब कि इसके अंदर जो, मतलब कि अंदर नहीं, ऊपर जो पानी होता है ना उसको हम सोक कर लेंगे, अंदर जो मॉइस्चर है वो बरकरार रहेगी। तो बस इस तरीके से बस 4 से 5 मिनट हम प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा जो पानी है उसको सोक कर लेंगे। चार पाँच मिनट हो चुकी है दोस्तों, इसके ऊपर कोई भी पानी नहीं है अभी। ये देखो, ये बिल्कुल सूखी हो चुकी है। अभी हम इसको सीधा लेके चलेंगे गैस की तरफ। अब गैस पे ना मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए छोड़ दी है। तेल को आपको रखनी है मीडियम पे, लो पे भी नहीं, हाई पे भी नहीं। लो पे रखोगे तो आलू ना तेल पी जाएगी, और हाई पे रखोगे तो वो फ्राई तो हो जाएगी, क्रिस्पी भी बनेगी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी नहीं रहेगी, बहुत ही जल्दी ना वो नरम हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना पेशेंस रखते हुए। तब तक फ्राई करनी है जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है और ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाती है। चार से पाँच मिनट लगेगी दोस्तों आपको इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए। ये धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, आप देख भी सकते हो। ये देखो, ये बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुकी है, क्रिस्पी भी लग रहे हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे तेल में से, साइड में रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। गर्मा गर्म ना आप इसको कंटेनर में भर के मत रखना, थोड़ा सा ठंडा करना, उसके बाद आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो। ये बहुत दिनों तक ऐसे ही क्रिस्पी रहेगी। और दूसरा वाला तरीका बताती हूँ, सीधा तेल के ऊपर ये ग्रेटर को डाल के आप इस तरीके से स्लाइस कर लेना। ऐसा करने से ना आलू का जो स्टार्च है वो अंदर ही रह जाती है, इसके लिए ये वाला जो स्टेप है ना मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ। मैं पहली वाले तरीके से बनाती हूँ, लेकिन अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगता है, मतलब कि आसान लगती है, तो आप ऐसे बना सकते हो, ये जल्दी बनती है। इसके लिए भी आपको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करनी है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। ये देखो, स्टार्च होने के कारण ना ये अपने आप चिपक रही है, लेकिन ये फ्राई हो जाने के बाद ना ऐसे चिपकी हुई नहीं रहेगी, ये अपने आप खुल जाएगी।
तो बस धीरे धीरे ये फ्राई हो रही है, कलर देख के आपको पता चल रही होगी। टेस्ट में ना दोस्तों कोई भी फ़र्क नहीं आएगी पहले वाली और दूसरी वाली में, दोनों एक ही जैसे बनेंगे। तो ये भी फ्राई हो चुकी है, इसको भी अब हम निकाल लेंगे तेल में से। और मैंने आपको बताया था ना पहले कि मैं एक स्पेशल मसाला आज आपको बताना दिखाऊंगी, तो बस चलिए इसको साइड में रख देते हैं और वो जो मसाला है उसको बना लेते हैं। चाहिए एक बस छोटी सी कटोरी, उसमें लेना है एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच लेना काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लेना है आपको चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, आमचूर का पाउडर भी ले सकते हो, और आपको लेना है थोड़ा सा काला नमक, और इसमें कुछ भी नहीं डालनी है, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अब ये मसाला ना आप कोई भी सब्ज़ी में भी डाल के खा सकते हो, बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस मसाले बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अभी अपने चिप्स को ले आते हैं क्योंकि वो ना थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। ज़्यादा ठंडा नहीं करनी है दोस्तों, नहीं तो मसाले ना चिप्स के साथ अच्छे से पकड़ के नहीं बैठेगी, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा ठंडा करना है और उसके बाद इसके ऊपर से हम इस तरीके से मसालों को छिड़केंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसको हम फिर से छिड़केंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना दोस्तों, कहीं चिप्स टूट ना जाए, या फिर आप एक बड़े से कटोरी भी ले सकते हो, उसमें भी आप इसको मिक्स कर सकते हो। तो बस ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है दोस्तों, अभी ना आप इसको एक एयरटाइट कंटेनर में भर के या फिर एक पॉलीथीन के प्लास्टिक के बैग में भी आप इसको भर के रख सकते हो। कम से कम 6 से 7 दिन ये ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगी और ये आप देख भी सकते हो ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इसको तो एक बार घर पे ट्राई करना ज़रूर बनता है ना। और बना के ना मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले आलू की चिप्स कैसी बनी है। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।